ये देख लो भाई, इस सीन की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा होगा, मोटा वाला खर्चा होगा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसी अपनी सारी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि अपनी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल बढ़िया होगी। और आपका भाई फिलहाल बढ़िया नहीं है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बढ़िया नहीं हूँ। फिलहाल अपनी जिंदगी में चल रहे हैं बहुत सारे गलत सीन भाई, आपको पता ही, अपनी जिंदगी गलत सीन से बड़ी बढ़िया। बट इस बार कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो चुके हैं हमारे साथ यार। चलो गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या गलत सीन चल रहा है हमारे साथ। और फिलहाल अभी मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम, सो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आज। और फिलहाल हमें आज रितिका मिलने वाली है आगे, तो चलो जाके उससे भी थोड़ी बातें करेंगे। अभी उसको पता नहीं है कि हमारी बाइक टूटी हुई है। और गाइस आई होप कि आपको भी नहीं पता होगा, अभी गाइस इतने ज़्यादा गलत सीन चल रहे हैं कि मेरे में कैमरा फेस करने की भी हिम्मत नहीं थी। और बहुत दिनों बाद फिलहाल मैंने कैमरा उठाया और यार क्या ही बताऊँ यार, बहुत गलत सीन चल रहे हैं। चलो आपको सब बताता हूँ कि क्या चल रहा है यार, क्या नहीं। चलो गाइस, यार गाइस ये देखो, ये खड़ी अपनी पॉइजन यहाँ पे, और बहुत गंदी कंडीशन चल रही है इसकी इस टाइम, क्योंकि इसकी सर्विस भी आ चुकी है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखो गाइस, अपना अलॉय व्हील टूट चुका है और इस टाइम इसके अंदर हवा वगैरह नहीं जा रही है। मैं इसको ऐसे ही चला रहा हूँ यार, डर भी लग रहा चलाते हुए। देखो हमने कोशिश की है इसको फिक्स करने की, बट ये फिक्स नहीं हुआ। अलॉय व्हील यहाँ से भी टूट चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगाया हुआ अपना, बट वो काम नहीं किया गाइस। गंदी हालत चल रही है इस टाइम अपनी भी और अपनी लाइफ की भी। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का सेकंड पार्ट है, तो इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं बाइक, अभी रितिका हमारा आगे वेट कर रही है, तो उसको भी पिक करना है। और उसको भी मैंने सिर्फ अभी इतना ही बताया कि मेरी बाइक टूट गई हुई है, बट उसको नहीं पता कि क्या कंडीशन है इस टाइम बाइक की और क्या चीज़ टूटी हुई है बाइक की। तो गाइस बहुत आराम आराम से चलाऊँगा बाइक को, क्योंकि हवा नहीं है टायर में बिल्कुल भी, और अलॉय व्हील टूटा हुआ है उसकी वजह से हवा भी नहीं जा रही है। एक्चुअली अलॉय व्हील सेंटर से भी क्रैक हो चुका है, साइड से तो हुआ ही हुआ है बट सेंटर से भी क्रैक हो चुका है, जिसकी वजह से उसके अंदर हवा नहीं जा रही है। सो गाइस ये देखो यहाँ पे खड़ी है रितिका। हेलो हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? क्या झूठ बोल दिया? अरे बाइक टूटी हुई है ना, तुम्हें चलती हुई दिख रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा यार। पूरी ज़िंदगी ख़राब पड़ी है यहाँ पे, तुम्हें बाइक ही पड़ी है। अरे वो देखो ना, अगले टायर में हवा ही नहीं है, देख रहे हो? ये देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ से टूटी है, ये देखो, देख रहे हो? इसकी वजह से हवा भी नहीं जा रही है टायर के अंदर। ये मैंने थोड़ा फिक्स करने की कोशिश की थी बट फिक्स नहीं हुआ। इसको अभी बहुत दिन लग जाएंगे ठीक होते होते, सर्विस सेंटर देना पड़ेगा इसको। गलत ही है सीन यार, मजाक के मूड में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये है मजाक के मूड में थोड़ी सी, है ना? पता नहीं क्या चुल मची है कि ये बोल रही है कि मेरे को तेरे साथ ही जॉब करनी है। अच्छा मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो कि बाइक टूटी है। हाँ यहाँ से थोड़ा ना टूटी थी, वो तो अलॉय व्हील टूटा था ना, और बाइक के अब तुम सोच लो पैर ही टूट गया तो बाइक क्या ही चलेगी। अभी तो आराम आराम से चलाएंगे इसको, लेके जाएंगे आज तो फिलहाल, बाकी इसको शाम को मैं वर्कशॉप पे लगाने वाला हूँ। सो गाइस अभी थोड़े दिन के लिए जाने वाली है अपनी पॉइजन, अपने से दूर। तभी मैं बताता हूँ कि ये सीन कैसे हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मैं और मेरा भाई जा रहे थे हम अपने फार्म हाउस वाली साइड, और उस दिन ना रात को बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था और हम रात को ही राइड कर रहे थे, और तूफान और आंधी इतना ज़्यादा चल रहा कि बाइक स्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं बाइक को। और यार इतने में ना आगे एक गड्ढा आ गया, मतलब कि बहुत बड़ा, आपको पता ही अपने जम्मू के सड़कों की हालत, एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया आगे। ये देखो भाई फ्लाई बाय मार के जा रहा है, क्या यार हम चला ही नहीं सकते तेज इसको यार, क्या करें। सो गाइज आगे बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, तो मुझे दिखा ही नहीं एक्चुअली, वहाँ पे आंधी आ गई और धूल ही धूल होगी आगे। मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और मेरा वाइजर बंद ही था, क्योंकि आंधी चल रही थी, मेरी आंखों में मिट्टी जा रही, तो मैंने वाइजर बंद ही कर रखा था। हाइट का टाइम था, मेरे को बिल्कुल भी दिखा नहीं है, ना मेरे को कोई आइडिया था कि यहाँ पे कोई गड्ढा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन रोड था और उसके अंदर ही एक गड्ढा आ गया। वो जैसे ही उस गड्ढे के अंदर मेरी बाइक हिट हुई जाके, अलॉय व्हील टेढ़ा हो गया और टायर से पूरी हवा निकल गई है। और बाद में फिर आगे जाके मैंने देखा कि अलॉय व्हील पूरा टेढ़ा हो चुका है और बाइक के अंदर हवा नहीं जा रही है। तो गाइस बहुत बुरा लगा उस दिन, तो मेरा रोना निकल गया था कि यार ये सीन मेरे साथ ही क्यों होते हैं। किसका? एक्चुअली उस दिन मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं रहा था, मैं और मेरा भाई फार्म हाउस जा रहे थे। अच्छा तुम रोज़ देखती हो क्या मेरा चैनल? तो देखा नहीं है क्या? सो
तो गाइस यही रीज़न था कि इतने दिनों से कोई ब्लॉग श्लॉग नहीं कर पा रहा था, बाइक टूट गई थी। फिलहाल अभी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं एक ही बार में सब करवा लूँ, सब ठीक करवा लूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा गलत सीन चल रहा है यार, क्या ही कर सकते हैं, फेस तो हमें ही करने पड़ेंगे। हाँ, तो मैंने इसको बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी ये 2 दिन पहले ये जॉब स्टार्ट किया है और आज मेरा भी फर्स्ट डे ही होने वाला है इस जॉब पे और इसका भी फर्स्ट डे ही होने वाला है। तो कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा, नहीं इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई आसान ही है, बस लिखने वाला काम है और कुछ नहीं है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आरसपुरा पहुंच चुके हैं और हेलो टू आरसपुरा वासियों, आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, तो थैंक यू सो मच आप सबका। ये देखो कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहीं पे हमें अपना काम करना है इस विलेज पे। चलो गाइस यहां पे फिलहाल अपना सामान छोड़ते हैं, पहले अपनी हेलमेट और अपना बैग। गाइस अभी अभी इस लड़की को एक छोटे से बच्चे ने आंटी कह दिया, बेचारी को बहुत बुरा लग रहा है। गजब बेइज्जती है, आंटी बोल के चले गए इसको। ठीक है, मैं तो लगता ही अंकल है ना गाइस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अंकल से तो मैं अंकल लगता ही हूँ, दाढ़ी बूढ़ी आ चुकी है मेरे। हाँ अंकल, सो आई एम सो प्राउड टू बी कॉल्ड अंकल। सो फर्स्ट डे ऑफ जॉब, पहला फॉर्म फिल कर दिया मैम ने, दिखाना जरा। वाह। सो गाइस अभी कुछ इस टाइप की जगह पे बैठे हुए हैं हम और यहीं पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। वो गाइस देखो लड़का काम कर रहा है, काम करते मासूम लगते हैं ये लोग। ऐसे नहीं, इस लड़की के लिए इस सीट पे पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं डाला तो बम जल जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दांत निकाल दिए आगे, अपनी सीट पे भी डाल लेते हैं, अपनी बम नहीं जलानी हमें। सो गाइस अभी हमारा काम शाम खत्म हो चुका सब, अभी देखना कैसे सूख जाएगी ये गाइस, देखना इतनी गर्मी हो रही जादू, ये सूख गई एक मिनट में। बैठो, हमें लंच करना अभी किसी अच्छी सी जगह पे जाके। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरएसपुरा पार्क के पास और चलते हैं पार्क में, पहले वहाँ पे बैठते हैं, लंच वंच करते हैं। बताओ तुम्हारा कैसा रहा जॉब का फर्स्ट डे? अच्छा है, क्या एक्सपीरियंस किया फिर लोगों का मतलब? अच्छा सही है, ज़्यादा सही लगा। अभी तुम 2-3 दिन में परेशान हो जाओगी इस काम से। गाइस ये है कुछ अपना आज का लंच, खाना पीना अपना यही है अपना लंच भाई, जो भी है गरीब बंदों का ऐसा ही लंच होता है, क्या बोल सकते हैं अब, लंच लंच होता है। हाँ वो तो बात सही है। रूम ही कट दिया करो। सो गाइस लेट्स एंजॉय द लंच एंड उसके बाद मिलते हैं आपको। मुंह से बड़ा गिलास है सच्चे, देखो देखो पूरा आंखों तक आता है इसके, आंखों के भी ऊपर, क्या बात है। तुम्हारा सिर आ जाएगा पूरा इसके अंदर फिट। मुंह से तो बड़ा ही है। अब ये मिस्टर बीन वाले काम कर रही है। तो ये घड़ी अभी अपनी बाइक और ये देख लो भाई, इस सीन की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, मोटा वाला खर्चा हो गया, और मेरे को लगा कि इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, बट हमारी इंश्योरेंस भी जो थी वो ड्यू थी इंश्योरेंस, और अभी इंश्योरेंस में कवर कुछ भी नहीं हो पाएगा इसका, अभी सारा कैश पे करवाना पड़ेगा। तो बाय बाय पॉइजन, तो मिलता है थोड़े दिनों बाद, और चलते अभी यार घर बन जाए। तो भाई अभी बाइक लगा के वहाँ से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हो
सो गाइज अभी अपनी पॉइजन लग चुकी है सर्विस सेंटर और हम लोग जा रहे हैं बिना पॉइजन के अपने घर पे। यार बहुत दुख लग रहा है यार, अब क्या करेंगे यार पॉइजन के बिना। एक तो दिल भी नहीं लगता यार, जब तक तो उसकी आवाज़ नहीं ना सुन लेता सुबह उठ के तब तक मतलब ऐसे लगता था कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। पर अब दिन की शुरुआत कैसे होने वाली है आई डोंट नो। चलो गाइस गलत सीन तो होते रहते हैं अपने साथ यार, अब चलो कोई बात नहीं एक और गलत सीन सह लेंगे हम लोग। चलो गाइस इसी के साथ आज के व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको कैसे मस्त नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।